Hello, children, welcome to Rekha Online Classes. Today we will read the first chapter of Flamingo, the last lesson. First, we will read about the author Alphonse Dotted. Alphonse was born in 1840 and he died in 1897. ही वॉज अ फ्रेंच नावलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर वो एक फ्रेंच नावलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वॉर एटीन सेवेंटी एटीन सेवेंटी वन ये जो लास्ट लेसन की जो स्टोरी है ये उन दिनों की स्टोरी है जब फ्रेंको प्रशियन वॉर हुआ था और ये 1870 से 1871 तक चला था इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय विस्मार्क उस समय फ्रांस हार गया था किसके द्वारा प्रशिया के द्वारा और उस समय उसकी लीडिंग कौन कर रहा था विस्मार्क प्रशिया दैन कंसिस्टेड ऑफ वट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया प्रशिया ने उस समय जर्मनी पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट भी अपने में मिला लिए थे इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सॉस एंड लॉरेंस है पास्ड इन टू प्रशियन हैंड्स और जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे कौन से अल्सॉस एंड लॉरेन ये भी किस में मिला दिए गए थे प्रशियन प्रशियन हैंड्स में आ गए थे रीट द स्टोरी टू तो फाइंड आउट वाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल और ये जो अल्सॉस और लॉरन जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे जो कि अब प्रशिया के हैंड्स में आ गए थे या प्रशिया में मिल गए थे तो उस बात का वहां जो स्कूल थे उनकी लाइफ पर या वहां के लोगों की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो इस चैप्टर में हम देखते हैं नाउ वी स्टार्ट आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ आई स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन आस ऑन पार्टिसिपल्स

स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड क्योंकि मिस्टर हेमल ने कहा था एक दिन पहले कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे यानी उन्होंने ये चैप्टर पढ़ाया होगा अब उसके बारे में वो नेक्स्ट डे क्वेश्चन करेंगे एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अवॉर्ड दब यहां पर फ्रेंड्स बोल रहा है कि मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था जिस तरह से हमारी इंग्लिश ग्रामर में पार्टिसिपल से एक चैप्टर है उसी तरह से फ्रांस में भी ये पार्टिसिपल पढ़ाए जाते थे फ्रांस की ग्रामर में ये पार्टिसिपल हैं फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द वे आउट ऑफ डोर्स एक पल के लिए तो राइटर ने ये सोचा कि वो यहां से भाग जाए और अपना दिन जो है वो बाहर बिताए यानी कि स्कूल ना जाकर वो अपना दिन कहीं बाहर स्पेंड करे इट वॉज सो वार्म पर बताना चाह रहा है फ्रांस बताना चाह रहा है कि जो डे था उस दिन बहुत ही गर्म था इतना ब्राइट था दर्ड वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वर्ड्स और जो वर्ड्स थी वो चिरपिंग यानी कि चहचा रही थी वुड्स यानी कि जंगल में अब यहां पर हम कहेंगे कि वार्म डे इतना वार्म था यानी कि गर्म दिन था और चमकीला था तो ये कौन सा अच्छा दिन था जो हम बाहर जाके स्पेंड करें लेकिन जो हमारा इंडिया है वो वार्म है यहां पर जो वेदर है वो वार्म रहता है लेकिन यहां बात हो रही है फ्रांस की जो कि बहुत ही ठंडा कंट्री है कोल्ड कंट्री है वहां पर और जब वहां पर कोई दिन जब ब्राइट होता है गर्म दिन होता है तो वहां पर उस दिन को बहुत अच्छा मानते हैं इसलिए यहां पर वो बता रहा है कि डे जो है वो वार्म था ब्राइट था इसलिए वो चाह रहा है कि बाहर जाके अपना डे स्पेंड करे बजाय स्कूल के वो स्कूल जाए वट इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल दर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग अब यहां पर वो बता रहा है कि जो ओपन फील्ड था सोमिल यानी कि जहां पर लकड़ी वगैरह काटी जाती हैं, वहां पर जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग ड्रिलिंग यानी कि एक्सरसाइजिंग कर रहे थे इट वॉज ऑल मच मोर अटेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स यानी कि बजाय इसके कि वो पार्टिसिपल्स के रूल सीखे उसे बाहर जाना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था ज़्यादा अट्रैक्टिंग लग रहा था बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से खुद पर कंट्रोल किया और स्कूल के लिए वो जल्दी जल्दी चलने लगा When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे ही वो वहां टाउन हॉल से गुजरा टाउन हॉल यानी कि एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है बिल्डिंग थी उस जमाने में और वहां पर जो है बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जैसे कि नोटिस बोर्ड होता है स्कूल में ऑफिस के बाहर सेम वैसे ही वहां पर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और वहां लोगों की भीड़ थी फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर और पिछले दो साल से बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही थी जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर यानी कि जैसे कि लड़ाई स्टार्ट हो गई थी वॉर स्टार्ट हो गया था रशिया ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था जो वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके ऑर्डर्स आ रहे थे तो ये सारी न्यूज वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर लगा दी जाती थी एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग यानी कि वो स्कूल के चलता जा रहा है साथ में ये सोचता भी जा रहा है खुद से बोल रहा है कि व्हाट कैन बी मैटर नाउ कि अब क्या बात हो सकती है यानी कि अब कौन सी न्यूज हो सकती है